न्यूज जंक्शन 24 में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी जानकारी लेकर आए हैं। फेफड़ों का संक्रमण हो या उसमें कैंसर जैसी बीमारी, इसके लिए अब रोगियों को हल्द्वानी में ही उपचार मिल सकेगा। हल्द्वानी के नीलकंठ अस्पताल ने दिल्ली के नामचीन मैक्स अस्पताल से अनुबंध किया है। नीलकंठ के MD डॉक्टर गौरव सिंगल का कहना है कि देश के जाने माने डॉक्टर प्रमोद जिंदल हर महीने के चौथे गुरुवार को नीलकंठ में 12 बजे से शाम 3 बजे तक बैठेंगे। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं डॉक्टर जिंदल और डॉक्टर गौरव सिंघल। कोई भी ऐसा थोरैसिक सर्जन नहीं है, लंग के सर्जन नहीं है जो कि इस चीज़ की प्रोवाइड करते हैं। हमने पिछले हफ्ते, 2 हफ्ते पहले मुरादाबाद में इस सर्विस को शुरू किया था और अब यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, जिससे कि इस पूरे रीजन को इससे फ़ायदा हो। और क्योंकि एक छोटी सी चीज़ को दिखाने के लिए अगर एक पेशेंट को 300-350 किलोमीटर जाना आना पड़ रहा है, उससे बजाय हम यहाँ पर आके उसको देखें। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको हम सर्जरी तो वहाँ करते हैं, लेकिन उनको हर महीने मेरे को दिखाने के लिए जिन्हें आना पड़ता है, वो इस चीज़ से बच सकते हैं, उनको अब खुद नहीं ट्रैवल करना पड़ेगा। जिस प्रकार से मैक्स यहाँ पर आ गया है, उत्तराखंड एक पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर लोगों की जेब की बात करें तो इलाज में मतलब कितना किफायती इलाज का? देखिए, अगर आप मेरे से पूछें तो उनको अगर यहाँ से दिल्ली जाने का खर्चा और आने का खर्चा, सबसे पहली बात तो वही ख़त्म होगा। उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हल्द्वानी के हल्द्वानी में वो मुझे दिखा सकते हैं। जैसे कि आज भी मैंने एक पेशेंट देखा है, उसको सिर्फ यहाँ आना पड़ा। जहाँ तक OPD के खर्चे की बात है तो उनको वही चार्जेस होते हैं जो वो किसी एक नॉर्मल फिजिशियन को हल्द्वानी में देते हैं। हमने कोई अपने एडिशनल चार्जेस इस चीज़ के लिए नहीं रखे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि जहाँ तक ऑपरेशन की बात है तो ऑपरेशन के खर्चे जो हैं वो सबके लिए बराबर ही होते हैं, चाहे वो यहाँ हो। लेकिन हम इस कोशिश में, बिकॉज़ इसकी सर्जरी जो होती है वो कंपैरेटिवली कम होती हैं और उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, बड़े सेटअप की ज़रूरत होती है, तो अगर आने वाले टाइम में हमें मौका मिला और सारी चीज़ें ठीक हुई तो हम यहाँ पे भी सर्जिकल चीज़ शुरू कर पाएंगे। जैसे कि हमने सुना होगा पेट की सर्जरी, हेड नेक सर्जरी, न्यूरोसर्जन, स्पाइन सर्जन, उसी तरीके से फेफड़े के भी स्पेशल सर्जन्स होते हैं जिनको हम थोरैसिक सर्जन्स बोलते हैं। अभी तक हम फेफड़ों से संबंधित सारी दवाइयों से, जो बीमारियां दवाइयों से ठीक हो सकती थी उनका इलाज किया करते थे और जो ऑपरेशंस की ज़रूरत होती थी उसके लिए दिल्ली भेजा करते थे। अब उसकी हमने सर्जरीज तो स्टार्ट नहीं की हैं, बट उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अब हर 4th Thursday को हल्द्वानी में नीलकंठ हॉस्पिटल में अवेलेबल रहेंगे और फिर हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि उन सर्जरीज को भी हल्द्वानी में और कुमाऊँ के लोगों को सेवाएँ दे सकें। मैं अभी तो नहीं कहूँगा इस चीज़ को, लेकिन हमारी निकटतम भविष्य में उम्मीद है कि हम इस तरीके की सर्जरीज को हल्द्वानी में कर पाएंगे।